ये 2 दिन बाद कोई चर्चा नहीं होगी। मैं जानता हूं ये देश हादसों का देश, मैंने बार बार कहा, यहां आए दिन हादसे होते, कभी ट्रेन में, कभी यहां। एसओपी कोई चीज हुआ करती है क्राउड मैनेजमेंट की, खुली छूट है, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते, एक हीलिंग टच जाता। 1.25 साल से यही चीज हम लोग कह रहे हैं, कान पे जू नहीं रेंग रही, राजाओं महाराजाओं वाली आदतें हम किसी के नहीं सुनेंगे। जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहां पर हालात तेजी से बदल रहे हैं, 11,000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा। क्या कहना है? नहीं नहीं, 11,000 FIR के बाद वो कह रहे हैं चीजें नॉर्मल हो रही है। अगर नॉर्मल हो रही है तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री जी सारे जो क्रिटिकल कंसर्न्स होते हैं उस पर चुप्पी रखने के माहिर आदमी, इनसे आप भाषणबाजी जो ले लो, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते, एक हीलिंग टच जाता। 1.25 साल से यही चीज हम लोग कह रहे हैं, कान पे जू नहीं रेंग रही, राजाओं महाराजाओं वाली आदतें हम किसी के नहीं सुनेंगे। और क्या कहूं सर, भ्रष्टाचार को लेकर आपका जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार आप करें, कांग्रेस ने केस दर्ज करवाया, हम कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि हम दुरुपयोग। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी की जुबान से आजकल भ्रष्टाचार पर जब वो बोलते हैं ना, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। भोपाल में गरज रहे थे और जिसके खिलाफ गरज रहे थे उसके साथ गुलदस्ता आदान प्रदान की इतनी खूबसूरत छवि आई, गले मिलते हुए, और उनके गठबंधन के हिस्सा है महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य के बारे में मैं कितने उदाहरण गिना दूं। प्रधानमंत्री जी आपने एक पद्धति विकसित की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक लड़ूंगा जब तक वो भ्रष्टाचारी मेरे पास ना आ जाए। आपके पास गया तो भ्रष्ट आचार शिष्टाचार में तब्दील हो रहा है, ये आपकी कलई खोल देता। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि विपक्ष में जो दल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी को खुद अपने भाषण सुनने चाहिए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था चुनाव में भाई? विपक्ष ने तो नहीं किया, विपक्ष तो इस किताब, इसकी संवेदनाओं के आधार पर लड़ रहा था। कौन कह रहा था कि टूटी काट लेंगे, तोड़ ले जाएंगे, बिजली काट देंगे? प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण सुनने चाहिए। गरिमा का जो स्खलन हमने देखा है वो चिंता का विषय होना चाहिए, उस पद की के लिए भी उनको चिंता होनी चाहिए। सर, कल जिस तरह से विपक्ष, खड़गे साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत तथ्य सदन के सामने रख रहे थे, लेकिन ये जो वॉकआउट का रास्ता है इसको क्रिटिसाइज कर रहा है विपक्ष, का कहना है कि प्रधानमंत्री जी। नहीं नहीं, वॉकआउट कभी भी एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, क्यों लिया जाता है? मैं सुन रहा था जब राहुल जी बोल रहे थे लोकसभा में, तो तकरीबन 5-6 मिनिस्टर, खुद प्रधानमंत्री जी 2 या 3 बार और अमित शाह जी 2 या 3 बार उठे। उसी तरह के क्लैरिफिकेशन की हमें आवश्यकता थी। एलओपी का पद बहुत गरिमामय पद होता है, उनको मौका मिलना चाहिए था क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की आदतों में शुमार है मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊं, कोई उस पर इंटरवीन ना करे, कोई उसको रोकने की कोशिश ना करे, तो ये चीजें संसदीय लोकतंत्र में नहीं चलती। पक्ष और विपक्ष मिलके संसद बनती है, और 240 वाला जो मैंडेट है ना प्रधानमंत्री जी, वो संदेश है लोकतंत्र में, सामूहिकता को बहाल कीजिए। आप एनडीए एनडीए बोलने लगे, अब मोदी मोदी नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से ये भी सोचिए कि विपक्ष आपका शत्रु नहीं है, वो इंटरवीन करेगा, आप संतुष्ट नहीं है फिर क्लैरिफाई करिए, ये पद्धतियां। सर, हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस को जो मुआवजा दिया गया वो अपनी जगह पर एक है सवाल, दूसरा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, तीसरा चीज है इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए कि ये घटना क्यों हुई, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन ने SIT गठित की है, 2 लेवल पर जांच चल रही है, क्या कहना है आपका? इससे पहले कितनी SIT और ये गठित हुई थी आप बता दीजिए, आप लोगों के पास सारा रिकॉर्ड होता है। बीते दिनों, बीते वर्षों में जहां जहां इस प्रकार की भगदड़ में जाने गई, कितनी कमेटियां गठित हुई, ये 2 दिन बाद कोई चर्चा नहीं होगी। मैं जानता हूं ये देश हादसों का देश, मैंने बार बार कहा, यहां आए दिन हादसे होते, कभी ट्रेन में, कभी यहां। SOP कोई चीज हुआ करती है क्राउड मैनेजमेंट की,
खुली छूट है। इस देश में धर्मान्धता की एक ऐसी बयार बात चली है, कोई भी है कुर्सी लगा करके प्रवचन कर रहा है, क्या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था इतने लोग आएंगे? क्राउड मैनेजमेंट एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, उसके बारे में कोई सोच नहीं। ये सब आई वॉश है कि दो दिन खबरों में ये बताओ कि हमने कमेटी गठित कर दी है, मुआवजा दे दिया 2 लाख का, हो गया खत्म, सैकड़ों जाने गई, उन घरों में मुआवजे से वो व्यक्ति वापस नहीं आता। ये संवेदना हमारे अंदर की मर चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य, ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टेंडेंसी है कि इस तरह के पेनफुल इंसिडेंट्स पर भी पॉलिटिक्स करें। नहीं, हम सवाल ना पूछें, लोगों की जाने चली जाए और हम कहें कि नहीं सब कुछ बहुत बेहतर है। मतलब आदित्यनाथ जी, आप चाहते क्या है? विपक्ष क्या करे, मुंह पे सेलोटेप बांध के बैठ जाए या आपसे सवाल करे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना हो? लेकिन हमें पता है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत बड़े लोग हैं आप लोग, ये छोटे लोग मारे गए जिनकी गिनती सिर्फ आंकड़े में होती है, 127 126 कहानी खत्म। सर एक आखिरी सवाल है, झारखंड से जुड़ा, कि हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है और हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ है, हालांकि जो विपक्ष में पार्टी है वो इस चीज पर सवाल उठा रही है कि ये मुख्यमंत्री बदलने का खेल। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हाईकोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसको पढ़ा है बीजेपी वालों ने, कड़ाड़ा तमाचा है उन लोगों पर जो एजेंसीज का दुरुपयोग, नहीं कहूंगा सदुपयोग कर रहे हैं विपक्ष को साधने में, सदुपयोग, ED IT CBI का। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा बोनाफाइडी कोई केस ही नहीं बनता, समझदारी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो वापस आए हैं हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, जाहिर है कि पूरे गठबंधन महागठबंधन ने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का पदभार संभाले, इसमें दिक्कत कहाँ है? बल्कि उस हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद आपको अपनी सेंट्रल लीडरशिप को बोलना चाहिए कि सबसे नुकसान होता है, इन सबसे बाहर जाइए।